नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त जयशंकर सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जय डायरी में। और अभी मैं हूं अपने कर्मस्थल, ये जो मेरे पीछे प्लांट दिख रहा है यहां पे मैं जॉब करता हूं। और ये पीछे का जो एरिया है पार्किंग, ये रही मेरी कार। बाकी सब लोग निकल गए हैं, मैं रुका हूँ थोड़ा सा ये सनसेट देखने के लिए। पीछे जो है सनसेट अभी हो रहा है, काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। चाइनीज़ लोग होते हैं उनके अंडर में काम करना कैसा होता है, यानी कि चाइनीज़ जो लोग हैं उनका रवैया कैसा होता है हम इंडियंस के प्रति। तो मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसमें लगभग मेरे 7 ईयर्स हो चुके हैं, 7 साल से ऊपर कर चुका हूँ मैं काम। और ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है चाइनीज़ों के साथ में काफ़ी अच्छा रहा है। काफ़ी जो लोग होते हैं फ्रेंडली होते हैं, बट जो बोलें तो जो देश की जो भावनाएँ हैं उनके अंदर ही बहुत ज़्यादा होती हैं। इस तरह से बोल सकते हैं कि बहुत ही वो लोग भी अपने तरह से कट्टरवादी होते हैं। कट्टरवादी मतलब उनको राष्ट्रप्रेम बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर, जैसे हम इंडियंस के अंदर होता है। बाकी वो चीज़ों को जाहिर नहीं करते हैं, सामने आने नहीं देते कि वो लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, बट अंदर अंदर तो रहता है कि इंडिया ऐसा है वैसा है। क्योंकि जो कल्चर जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, तो उसमें मैं भी दोष नहीं दे सकता क्योंकि जो उनका कल्चर है और जो खाने पीने की चीज़ें वो अलग ही हैं। बाकी आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, तो उनके अंदर जो सोच है वो कम्युनिस्टों की तरह होती है। बट जो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन रहा है जो उनके साथ काम करने का, वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और काफ़ी लोग फ्रेंडली हैं, सपोर्टिव हैं, और जो हार्ड वर्किंग पर्सन है उसको ये लोग काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं। बट जैसे अदर कंपनीज में है या इंडिया में बहुत सारे जगहों पे क्या है, जो आलसी लोग होते हैं वो टिक जाते हैं, जिनके अंदर हार्ड वर्क या एफिशिएंसी वर्क में नहीं होती वो लोग चलते हैं फिर भी इंडियन कंपनी में। बट चाइनीज़ के बीच में अगर आप काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों से आप बच नहीं पाएंगे। अगर आप नॉन वर्किंग है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कंपनी के लिए, तो कंपनी जो है आपको किसी भी टाइम हटा सकती है। एक बार दो बार वार्निंग देगी आपको, संभल गए तो ठीक है, नहीं तो आपको निकाल सकती है। बाकी जो मेरे यहाँ चाइनीज़ हैं वो करीब 25-30 लोग यहाँ पे काम करते हैं जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। और लकली अनलकली बोलिए जो मैं अभी अकेले जो उनका अनुवादक ट्रांसलेटर हूँ जो उनके साथ में काम करता हूँ, उनको हैंडल करना इनकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे जिम्मे ही रहती है, तो काफ़ी थोड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग होता है। बट अभी काफ़ी लंबे टाइम से काम कर करके इनके साथ में मैं थोड़ा फेमिलियर हो गया हूँ। बाकी एक चीज़ों में डिफरेंस आपको दिखेगा इनके साथ में, ये लोग थोड़ा फैमिली को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। बाकी एक हमारे और इनके बीच में डिफरेंस दिखेगा, ये लोग फैमिली और काम को बैलेंस करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और हम लोग ज़्यादा अपने जो काम को छोड़ के ज़्यादा फैमिली और जो सोसाइटी है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। ये डिफरेंस हमारे अंदर उनके अंदर दिखेगा। और इनके अंदर एक चीज़ है कि जो ये काम सीखे होते हैं उसके लिए समझ लीजिए एक्सपर्टाइज ले लेते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कंपनियां वहाँ से, या ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि कंपनियां वहाँ से भेजती हैं तो जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्हीं लोगों को इंडिया में या अदर कंट्री में भेजती हैं। ताकि वो अपना आदर जो है सेट कर सकें, जो यहाँ के इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में अगर आदर सेट करेंगे तो जो उनका एक्सपर्टाइज है वो लड़के जो है सीखेंगे, उसको कॉपी करेंगे और बाद में वही जो इस कंपनी के लिए एक अपना हेल्प मिलेगा, ये ऑपरेटर अच्छा काम करेगा फिर जो भी एम्प्लॉय है। बाकी जैसे चाइना में क्या है कि आप अगर वेल्डर हैं तो वेल्डर के लिए आपको अलग से पढ़ाई करना पड़ता है। किसी दोस्त की शादी है, किसी फैमिली मेम्बर को कुछ हुआ, या किसी सोसाइटी वाले को कुछ हुआ, गांव वाले को कुछ हुआ, तो हम लोग अपना पूरा टाइम उसको देंगे, उसको पूरा ख्याल रखेंगे। बट इनके यहाँ ऐसा नहीं है, इनके यहाँ एक बार हुआ बस ठीक है, गए तो गए, नहीं तो बाद में छोड़ देते हैं, वैसे ही भूल जाते हैं, अपने काम में फिर व्यस्त हो जाएंगे। तो सोशल लाइफ इनका काफ़ी ख़राब है हमारे कंपेयर में। बाकी बहुत सारी असमानताएँ हैं हमारे इनके बीच में, बट अभी जो रिसेंट की जो घटनाएं हुई हैं जो बॉर्डर पे, तो मेरा या किसी का भी जो एम्प्लॉय का मन है थोड़ा सा चाइनीज़ों से वो
भेड़ा वाला हो जाता है। वैसे हम लोग फील नहीं आने देते, लेकिन फिर भी अंदर से तो होता ही है, हमारे देश के साथ ऐसा करें तो हम इनके साथ क्यों अच्छा बना रहे। बट फिर भी हमारा जो एक कल्चर हमारा जो है वो हमें इजाज़त नहीं देता। हमारे कल्चर में है कि जो हमारे घर पे है, हमारे देश में है, तो हमारे मेहमान हो जाए, जब मेहमान ही हमें ट्रीट करना चाहिए, उसको वही सत्कार मिलना चाहिए। तो हम लोग वैसा कुछ अभी फील नहीं होने देते, भले चाहे ऑपरेटर लेवल का चाइनीज हो, चाहे मैनेजमेंट का चाइनीज हो, जो भी सीनियर जूनियर पोस्ट पे हर तरीके के लोग हैं, तो हम लोगों को फील नहीं आने देते। लेकिन अंदर से वो थोड़ा रहता है कि भाई हमारे साथ अच्छा नहीं ये लोग व्यवहार कर रहे हैं, तो हम लोग इनके साथ क्यों अच्छा व्यवहार करें। सॉरी, थोड़ा नॉइज आ रहा होगा, बगल में हाईवे है तो ये गाड़ियाँ बहुत आती जाती रहती हैं। तो बाकी मुझे यही आप लोगों से शेयर करना था कि हमारे और चाइनीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है और मेरा काम क्या है, क्या करता हूँ। तो मैं पिछले 2009 से एक चाइनीज़ ट्रांसलेटर का काम कर रहा हूँ। करीब मुझे हो गए इस फील्ड में 11-12 साल के आसपास, और ओवरऑल जो अभी तक का मेरा जो साथ रहा चाइनीज़ों के साथ में काफ़ी अच्छा रहा है। किसी से मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो मुझे बुरा लगे, ऐसा व्यवहार किसी ने आज तक किया नहीं मेरे साथ में। बाकी जितने भी अभी तक चाइनीज़ मेरे कांटेक्ट में हैं, काफ़ी उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन है। अभी भी कभी ज़रूरत होता है कुछ भी तो हम लोग बात भी करते हैं। अभी तो एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ गया कि जिस पर हम बात कर रहे थे वीचैट वगैरह, वो भी गवर्नमेंट अभी बैन करने वाली, वीचैट भी बंद कर रही है। पता नहीं इन फ्यूचर कॉन्टेक्ट कैसे होगा। मेल वगैरह तो शेयर कर रखा है, उन्होंने भी अपना दे रखा है। बट ये कि जो एक पर्सनल रिलेशन जो बिल्डअप हो जाता है, उसको अगर अचानक जैसे तोड़ दिया या टूट जाए तो थोड़ा बुरा लगता है। मेरा जो अभी तक का चैनलों के साथ व्यवहार रहा है बहुत अच्छा रहा है, अंदर से चाहे जैसे भी हो इनके देश के लोग, लेकिन जो वहाँ की पब्लिक होती है काफ़ी अच्छी होती है। अगर खाने का खाली हम छोड़ दें तो खाने का जो है उनका बहुत हमारे से बहुत ही अलग है, तो उन चीज़ों को हम लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते, ना वो हमारा खाना कभी अडॉप्ट कर पाएंगे। बट जो बाकी ओवरऑल लाइफ में देखें तो वही चीज़ें हैं जो हमारे भारतीय संस्कार में, अपने जो पुराने लोग हैं उनका ख्याल करना, फैमिली का ध्यान रखना, तो वैसे उनके यहाँ भी वही चीज़ है जो फैमिली को पूरा ध्यान रखो, माँ बाप को पूरा ध्यान रखो। तो बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और रही बात आज के टाइम में जो चाइना है, वो इकोनॉमिकली या वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के आप बोल सकते हैं कि वो 20 साल हमसे आगे है लगभग। और उन्होंने लगभग चालू भी कर दिया था 79 में अपना जो डोर है चाइना का खोलना, ताकि दुनिया इन्वेस्ट कर सके वहाँ पर। और हम लोग काफ़ी अनलकी रहे कि हमारी गवर्नमेंट नहीं कर पाई, और हम लोग काफ़ी लेट से कर रहे हैं। बट देर आए दुरुस्त है, अभी भी बहुत चांस है हमारे पास। हमारे पास यूथ है यहाँ पे, तो अपनी इकोनॉमी को चाहे तो चाइना से फास्ट ग्रो करा सकते हैं, अगर सारे यूथ स्किल्ड हों, अच्छा काम करें और लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें, अच्छा माहौल मिले उनको, तो काफ़ी आगे बढ़ने का चांस है हमारे अंदर में। और हम लोग करेंगे, इतना है कि जो चाइना 20 साल में जो चीज़ों को अचीव किया है, हम लोग 10 साल में उसको अचीव करने का क्षमता रखते हैं। इंडियन बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, दुनिया मानती है, बट एक उसको सही डायरेक्शन में यूज़ किया जाए। हम लोग क्या है, ज़्यादातर पॉलिटिक्स में घुसे रहते हैं। इंडियंस का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स में घुसा रहेगा, अपनी ग्रोथ के पीछे कम जाएगा, ज़्यादातर वो पॉलिटिशियंस की बातें करेगा, ज़्यादातर वो जो बॉलीवुड है, क्रिकेटर हैं, उनके बारे में ही अपना जो टाइम है उसी में लगा रहेगा, दिन भर बर्बाद करेगा। ये नहीं सोचेगा कैसे मेरी फैमिली को मैं इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करूँ, कैसे मैं कुछ और अर्निंग अपना बढ़ाऊँ। अगर मान लो आज का मेरा जो सैलरी है 1000 रुपये है, कैसे मैं उसको 1200 करूँ, 1500 करूँ, हर साल का मेरा टारगेट होना चाहिए, ताकि मेरी अर्निंग बढ़े। महंगाई तो बड़ी, महंगाई थोड़ी कम होने वाली है, तो मेरा अर्निंग भी साथ में बढ़ना चाहिए। अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉई हो, आप इंक्रीमेंट पर डिपेंड हो, तो इंक्रीमेंट तो होने वाला नहीं कुछ है, आपके पास एक्स्ट्रा इनकम सोर्स होना चाहिए। तो जो महंगाई बढ़े उसके कंपेयर में आपका इनकम जो ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तो आपके पास क्या जब पैसे रहेंगे तो आप मार्केट में उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, मार्केट से ज़्यादा आप चीज़ों खरीदोगे, मार्केट में डिमांड पैदा होगी, और फिर वो डिमांड को पूरा करने के लिए फिर जो प्रोडक्शन है, जो चीज़ें हैं बढ़ेंगी। तो कहने का मेरा ओवरऑल मीनिंग ये है कि हम लोग चाइना को कम्पीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडियन कैपेबल नहीं, बहुत कैपेबल है, बट उसको राइट डायरेक्शन मिलना चाहिए। तो डायरेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट जो कि एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, उसको जो है आगे आना पड़ेगा। आप सही डायरेक्शन में इंडिया को लेके जाइए, इंडिया वर्ल्ड में सबसे टॉप में आएगा, ये मैं बोलता हूँ। और दूसरा मुझे अपने देश के बारे में ये बोलना था कि जो अपना देश है ना, वो सबसे बेस्ट है। हम
कैसे भी हैं, किसी भी तरीके से हैं, लेकिन हम लोग बहुत सही तरीके से रखते हैं। आप किसी भी देश में आप अगर जाएंगे, बहुत सारी विभिन्नताएँ दिखेंगी, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, सोशल मतलब एक तरह से इंटरेक्ट नहीं होते किसी से। लेकिन हमारे यहाँ किसी को छोटा सा चोट लगता है ना, तो 10 लोग आ जाते हैं तुरंत पूछने के लिए, भाई क्या हो गया, कैसे हो, क्यों लगा, क्या है, सारी चीज़ें आपका वो ध्यान रखेंगे, हॉस्पिटल तक लेके जाएंगे। आपको भले जानते ना हो, लेकिन बाहरी देशों में क्या, अगर कुछ हुआ भी तो जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो आपको हेल्प कर दे तो ठीक है, नहीं तो बाकी कोई पूछने वाला नहीं है। आप पड़ोस में रहोगे, मर जाओगे, आएगी जो एम्बुलेंस लास्ट लेके जाएगी, कोई देखने वाला नहीं कौन था क्या है, कुछ भी नहीं पूछने वाला। तो इंडिया इज़ द बेस्ट, जो बोलते हैं भारत मेरा महान, तो इसलिए नहीं बोलते, उसके पीछे सच्चाई है। और मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं जो फॉरेनर्स के टच में रहता हूँ, उनकी लाइफ भी देखता हूँ, और दूसरा मैंने फॉरेन विजिट्स भी की हैं, तो मुझे पता है कि अदर देशों में कैसे लोग रहते हैं, क्या उनका तरीका रहने का। तो उस मामले में हम लोग काफ़ी बेस्ट हैं। बाकी सभी से अपील है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें वीडियो को, और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर वीडियो पे आप लोग नए हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो सब्सक्राइबर हैं थोड़े बढ़ें तो थोड़ा सा जो चैनल है ग्रो करें। बट ये नहीं कि मुझे इनकम करना है, इससे पैसे कमाना उसके लिए, बट हाँ थोड़ा पॉपुलर हो जाए तो अच्छा लगेगा।